नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी की। आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बात बताइए, आप छठे सरसंघचालक हैं शायद और 84 साल आरएसएस के हो गए, आपको लगता है कि नाव वहीं की वहीं मझधार में खड़ी है या आगे बढ़ रही है? नहीं, नाव तो आगे ही बढ़ रही है, उसकी गति कम ज्यादा होती है लेकिन नाव रुकती कभी नहीं। तो रुकी हुई है, दलदल में फंसी दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाखाओं की संख्या इस तरह से बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ी। शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, शाखाओं की संख्या, स्वयंसेवकों की संख्या, सारी बातें बढ़ रही है, समाज का सहयोग भी बढ़ रहा है। पहले सरसंघचालक जी ने कहा कि भारतीयता और हिंदुत्व दोनों एक चीज है, तो कि ज्योग्राफिकल मीनिंग आपने भारतीयता का है ना, हिंदुत्व तो ज्योग्राफिकल मीनिंग नहीं है, हिंदू कहीं भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, पर भारतीय तो भारत में ही होगा। तो आपने संकुचित किया हिंदुत्व कथा परिभाषा को, इसके पीछे क्या फिलोसफी की भारतीयता आपको लगा आ गया? मैंने क्या कहा वो सुन लीजिए जी। मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि हिंदू क्यों, आप भारतीय क्यों नहीं कहते? तो हमारा कहना है कि भारतीयता और हिंदुत्व ये समानार्थी शब्द है, वैश्विकता और हिंदुत्व ये समानार्थी शब्द है, लेकिन इसका कंटेंट व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो हिंदू है, क्योंकि भारत एक ज्योग्राफिकल कनोटेशन लेकर आता है, क्योंकि भारत नाम की ज्योग्राफी में इसका विकास हुआ, तो वो भारत माता, अखंड भारत माता, हमको पूजनीय वंदनीय श्रद्धेय है, ये सारी बात ठीक है, लेकिन हिंदुत्व तो उसका एक फीचर है, उसका इमोशनल कंटेंट है, वो कंटेंट जब तक भूमि के साथ जुड़ता नहीं तब तक वो डिफाइन नहीं होता, नहीं तो भारत तो केवल ज्योग्राफिकल भारत तो अलग अलग बदलता रहा है। अभी भी आपको लगता है कि अखंड भारत का सपना आपका वो आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, आप पाकिस्तान को रियलिटी नहीं मानते? नहीं, वो एक ट्रांजिटरी बात है, बदल जाएगी। बदलेगी, मतलब हिंदू जो भारत पहले का था वो भारत दोबारा से बनेगा, दूसरा इलाज नहीं। ये टू नेशन थ्योरी आप बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं मानते। तो आप कहते हैं 10 साल में बदल जाएगा, तो ऐसे कौन बदलेगा? नहीं, मैंने कहा था अगर अपने बाजू में पुरुषार्थ होगा तो 10 साल में दूसरा कुछ ना। बाजू में पुरुषार्थ कौन भोन जी? आपकी तो निर्माण करना पड़ता, आपके संसदों की सरकार रही 6 साल तो। नहीं, सरकार नहीं निर्माण करती, उसको समाज में निर्माण करना पड़ता, और केवल एक संगठन के पुरुषार्थ से काम नहीं होता, पूरे समाज को ऐसा बनाना पड़ता है। वो काम हम कर रहे हैं, सरकार वो काम हम कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांजिटरी बात है, ये रहेगी नहीं। तो आपकी जो संसदों की सरकार रही उसमें वो पुरुषार्थ नहीं था ना? ऐसा नहीं कह सकते आप, भारत के किसी सरकार के बारे में आप पुरुषार्थ नहीं था या पुरुषार्थ 100% था ऐसा नहीं कह सकते। वो तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज, क्योंकि क्योंकि केवल सरकार के पुरुषार्थ की बात नहीं रही थी, एक चौखट भी बनी है, उस चौखट के अंदर काम भी करना पड़ता है, और हर काम करने के समय अलग अलग परिस्थिति रहती है।